नाहन बस स्टैंड में देर रात एक सरकारी बस में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही चालक ने बस स्टार्ट की तो स्टार्ट होते ही बस में एकदम से धमाके के साथ आग लग गई। ये बस मणिपुर से देहरादून की ओर जा रही थी। हालांकि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम को लाखों का नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती तब तक बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। बस के केवल टायरों को ही बचाया जा सका है। बताया जा रहा है कि बस में आग लगने के साथ साथ एक निजी बस को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। स्टेशन फायर ऑफिसर LL गौतम ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना मिली तो सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और बड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। उधर HRTC के नाहन स्थित RM राशिद शेख ने घटना की पुष्टि की है। गाड़ी मणिकरण से हरिद्वार जा रही थी, उस गाड़ी को चेंज करने के लिए गाड़ी नंबर HP 7310 उसको देनी थी। जब जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी में शहर में आग लगी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आदर्श हिमाचल ब्यूरो रिपोर्ट।